दोस्तों, बहुत टाइम बाद आप लोगों से मिल रही हूं। पूरे एक साल बाद हर बंदे की लाइफ वक्त के साथ चेंज होती है, मगर आपके रीटा भाभी के लाइफ बिल्कुल वैसी ही है। वही प्यास, एक अधूरापन जो पहले था वो आज भी है। बस जिंदगी में बहुत बड़ी गलती कर दी, पैसे के लिए बुड्ढे से शादी कर ली। जिंदगी में पैसा जरूरी होता है, लेकिन कुछ और भी जरूरी होता है, कुछ मन की इच्छा और कुछ तन की। पिछले एक साल में मेरे साथ क्या क्या हुआ मैं आपको बताती हूं। हमने एक नए फ्लैट में शिफ्ट किया। रीटा। हां जी। ये फ्लैट तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा। चलो ठीक है। रीटा, मैं तो बाहर काम पे रहता हूँ, फ्लैट में तो तुम्हें ही रहना है। अच्छा, वो मैंने एक नंबर सेंड किया है, इस सोसाइटी के प्रधान जी का है, कोई भी प्रॉब्लम आए उसे बुला लेना। मुझे तो बाहर का काम बहुत परेशान करता है। तुम्हें बाहर काम परेशान करता है और मुझे घर पर काम? अरे, मुझे तो काम करना ही पड़ेगा ना। अरे, मैं काम क्रोध लोह वाले काम की बात कर रही हूँ। रीटा, तुम्हारी बातें ना मुझे समझ नहीं आती। अच्छा, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। वो वो मैंने एक नंबर सेंड किया है, इस सोसाइटी के प्रधान जी का है। हेलो प्रधान जी, मैं रीटा भाभी, मेरे कहने का मतलब रीटा बोल रही हूँ। वो जो आपके सोसाइटी में नए शिफ्ट हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, क्या सेवा कर सकता हूँ?
सेवा नहीं, रिक्वेस्ट ही करनी थी। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे जो काम मैं नहीं कर सकता वो प्रधान जी कर देंगे। हाँ जी हाँ जी, क्यों नहीं, जो बोलोगे कर देंगे। हमारी तो ड्यूटी ही काम करना है। पक्का? हाँ, आप काम बताइए, हो जाएगा। काम? बस काम ही है, जब आप सामने आओगे तो बिठाकर समझा दूंगी। ओके, जल्दी आना, मैं वेट कर रही हूँ। काम की लगती है, ड्यूटी जाने से पहले इसको मिलके जाता हूँ। पता नहीं, प्रधान का नाम सुन के मुझे लगा था कि कोई तन की खुशी देने वाला होगा। जैसे मैं दरवाजा खोलने जा रही थी, मेरे जिस्म में एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। किसी और को आना था क्या? नहीं नहीं बारिश में मेरी कोई गाड़ी ठोक गया। काश गाड़ी की जगह मैं होती। गाड़ी टो करवा के गैरेज भेज के आया हूं। पहले सोचा था वहीं से टैक्सी करके ऑफिस चला जाऊं, फिर मैंने सोचा कपड़े चेंज करके नहा ही लेता हूं। येलो शर्ट, मैं भी चलूं नहाने? अरे नहीं बाबा, हर वक्त ना तुम्हें रोमांस ही सूझता है। मुझे देर हो रही, मैंने जाना है। क्या करें, भगवान ने मुझे बनाया ही रोमांटिक है। हेलो। हाँ जी, आपने कैब बुक करी थी क्या? एक मिनट। एक मिनट नहीं, मैं आ गया हूँ नीचे। अरे एक मिनट रुको तो सही, मैं पूछ के बताती हूँ। आपने कैब बुक करी थी क्या? हाँ, ये साले कैब वाले आने में देरी कर देते हैं, इसलिए मैंने पहले ही बुक कर दी थी, मगर इसने तो बिल्कुल टाइम नहीं लगाया। तुम्हें तो ना सब अपने जैसे मिलते हैं, कम टाइम लगाने वाले। एक मिनट रुक जाओ, आ रहे हैं।
अब तो बारिश भी बंद होगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके। तुम ही कर रहे थे फोन? जी सर, आपकी राइड मेरे पास ही आई है। अच्छा ठीक है, गाड़ी निकालो। जी सर, बैठिए सर। अरे वाह, एक गोली खाओ, जितना मर्जी टाइम लगाओ, एक गोली खा के बुढ़ापा जवानी में बदलो। अरे सुनो, जो मैंने लोकेशन डाली है ना, वहाँ बाद में चलते हैं, पहले किसी मेडिकल स्टोर पे ले लो। ये देखो पेपर में, ये ना, ये ऐड वाली गोली लेनी मैंने। हाँ जी सर, बहुत लोग खाते हैं ये गोली। अरे तुम तो बड़े विश्वास से कह रहे हो, जैसे तुम भी ये गोली खाते हो। नहीं सर, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन जो लोग खाते हैं वो बताते हैं कि बड़ी असरदार है ये गोली, और जब काम अच्छा हो फिर नाम तो होता ही है, फिर चाहे वो गोली गई क्यों ना हो। है ना सर? अच्छा ठीक है, वहाँ फिर जल्दी चलो फिर। जी सर। मैं प्रधान जी के बारे में सोचने लगी कि कब वो आएंगे और मेरी बात बन जाए तो अच्छा होगा। एकदम से डोरबेल बजी, मैं जाने ही लगी और ख्याल आया कहीं फिर वो ना आ गए हों। नहीं, अब क्यों आएंगे वापस, प्रधान जी ही होंगे, मेरा दिल भी यही कहता है। जी कहिए। जी आपने फोन किया था कि घर आ जाओ फिर बताऊंगी। मैंने तो सोसाइटी के प्रधान को कॉल किया था, आपको नहीं? जी मैं ही प्रधान हूँ, सोसाइटी में मेरे 3 फ्लैट हैं, वैसे मैं पुलिस इंस्पेक्टर भी हूँ। अच्छा, तो आप हैं प्रधान। जब किसी के साथ कोई रिश्ता बनाना हो तो एक एहसास अपने आप हो जाता है, और ऐसा ही एहसास मुझे प्रधान जी को देखकर हो रहा था। अजी प्रधान क्या, हम तो सेवादार हैं, जो हमारे पास है, किसी को चाहिए होता है तो हम दे देते हैं। क्या है आपके पास? अजी आपको क्या चाहिए? अंदर चलो बताती हूँ। हैं? अंदर? किचन में अंदर टैप से पानी नहीं निकल रहा। ये गोली दी है उसने, उसने बोला है कि चाय के साथ लेनी है या गर्म मीठे दूध के साथ। ये गोली तो असर करने में कम से कम 1 घंटा लगा देगी, या फिर उससे भी ज़्यादा लग सकता है। अच्छा, ऐसा करो, कोई चाय की दुकान ढूंढो, वहाँ जाके चाय ले लूँगा, साथ में इसे खा लूँगा, ताकि घर जाने तक इसका असर हो जाए। चाय की दुकान सर, वो सामने चाय की दुकान है, वहीं पे चलते हैं। हाँ ठीक है, आ जाओ। आ जाओ सर। सर आप बैठो, मैं लेके आता हूँ। भैया 2 कप चाय लगाना, और सुनो मीठा जरा ड्राइवर वाला, है ना? ये तो बहुत हॉट है, इसकी आग बुझाने के लिए तो ये गोली का सहारा लेना पड़ेगा।
इसका मर्द तो साला नमर्द ही लग रहा है। मैं देखता हूं इसको। मैं तो आपके लिए बिस्किट लेके आ रही थी, आपने इतनी गरम गरम चाय पी भी ली? जी मुझे गरम गरम चीजें ही अच्छी लगती है। अच्छा, क्या हुआ? कभी किसी के छूने से मुझे ऐसा एहसास नहीं हुआ। मुझसे दूर रहना, कहीं आप मेरी कमजोरी ना बन जाओ। अरे ये तो अंदर से भरी पड़ी है। मुझे पता है, पानी की टैप तो एक बहाना था। क्या हुआ? कोई आ ना जाए, मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ। चाय में मीठा कम तो नहीं है? आपने इतनी गरम गरम चाय पी भी ली? जी मुझे गरम गरम चीजें ही अच्छी लगती है। जैसे ही उसने मुझे छुआ, मेरा रोम रोम खिलने लगा, जैसे कि इस पल का मेरी जवानी को इंतजार था। क्या हुआ? कभी किसी के छूने से मुझे ऐसा एहसास नहीं हुआ। इसका मतलब ये ख्वाब सच होने जा रहा है। लो भैया। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? जी जतिन। जतिन एक काम करो, 2-4 दिन मेरी गाड़ी गैरेज में रहेगी, तब तक तुम अपनी गाड़ी मेरे साथ ही रखना, मैं तुम्हें और तुम्हारी गाड़ी की दिहाड़ी दे दूंगा। ठीक है सर। और हाँ, ये गोली थोड़ा असर कर जाए, ऑफिस चलते हैं, थोड़ी देर रुकेंगे फिर घर चलेंगे। जी ठीक है सर, चलिए आओ। चलो। हाँ सर, रात को खाना खाने के बाद एक कप चाय फिर से पी लेना। ठीक है। हाँ जी सर। जो एहसास इस बार हुआ, वो एहसास बार बार हो, मेरा जिस्म ये ख्वाब लेने लगा। तुमने तो मेरे एसी में भी पसीने छुड़ा दिए। मैंने भी जिंदगी में आपसे हॉट लड़की नहीं देखी। अच्छा। हाँ जी। चलो मैं नहा के आती हूँ। आज तो मेरी पूरी तरह सेटिस्फेक्शन हो गई है। लेकिन मेरी तो नहीं हुई ना। मुझे लगता है एक दिन आप मेरी कमजोरी बन जाओगे। कमजोर तो आपके हस्बैंड हैं, हम तो स्ट्रांग ही स्ट्रांग हैं। आज इतना कुछ बनाया, क्या बात, कुकिंग का मूड था क्या? नहीं, आज ना मेरी तबीयत खराब थी, और वो शिमला में रहता है ना मेरा मुंह वाला भाई पूजा,
जो होटल में कुक है। अच्छा वो जो टू इन वन है। वो अंदर ही है और सारा खाना उसी ने बनाया है। साड़े की बॉडी भी लड़कियों जैसी, नाम भी लड़कियों जैसा, काम भी लड़कियों जैसा, बस एक चीज की कमी रहेगी। अगर होती तो तुम क्या कर लेते। चलो छोड़ो यार, खाने के बाद ना एक कप चाय बना देना। चाय बना के मैंने केटली में रख दिया, खुद निकाल के पी लेना। यार वो तो ठंडी होगी होगी। तो तुम ठंडी ही तो पीते हो। नहीं आज गर्म पीऊंगा। पूजा है ना, उसको बोल के बनवा लेना। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ। तुम्हारा नाम तो पूजा है पर काम दूजा है। सुनो जी। जी जी, एक कप चाय बना देना बिना चीनी के। जी जी जी, अभी बना देता हूँ। गरम चीज तो साली मेरे से पी नहीं जाती। सुनो मुझे नींद आ रही है, प्लीज मुझे हिलाओ मत। आज मैं कोशिश करूं गर्म होने की और आज तुम ठंडी हो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है और गर्म चाय पीने से कोई गर्म होना नहीं सीख जाता। ओके थोड़ी देर बाद सो जाना आज। तुमसे कुछ होता तो है नहीं, ऐसे नींद खराब कर रहे हो। अगर तुम कुछ करने दोगी तो ही कर पाऊंगा ना। मैं बोल रही हूँ ना कि मेरी तबीयत खराब है। और हाँ मॉर्निंग मेरे लिए पैड लेके आना, जो बचा था वो मैंने यूज कर लिया। अब मैं इस आतिशबाजी को कौन सी बोतल में डाल के चलाऊं। लगता है मुझे ठंडा ही पानी पीना पड़ेगा। पूजा दोगे क्या? वो पानी, पानी दे दो मुझे। जीजा जी आप तो मुझे बड़े गर्म लग रहे हैं, ठंडा पानी ला दूं? नहीं गर्म गर्म पीऊंगा। ठीक है अभी लाता हूँ। रीटा
हाँ जी। मेरा बैग देना। जी लाई। ये लो बैग। रहने दो, अब तुम्हारे काम पूजा करने लगा है। इसका ही फर्ज बनता है, अगर बहन बिजी हो तो ब्रदर ही काम करवा दे अपने जीजा जी का। क्यों पूजा? मैंने तो जीजा जी का काम कल रात को ही कर दिया था। वेरी गुड, एक्सलेंट। चलो ठीक है, मैं भी ड्यूटी के लिए चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। चलो मैं छोड़ देता हूँ, आजा। चलो बाय दीदी। अरे छोटी सी चीज भी क्या क्या करवाती है। पहला पुलिस वाला होगा जो वर्दी पहन के भी चोरों की तरह किसी के घर में जा रहा है। कोई बात नहीं, प्रधान की, इंस्पेक्टर की दो दो जिम्मेवारी निभा रहा है, तीसरी भी उठा ले। एंजॉय भी तो प्रधान तू ही करेगा। चल चलते हैं। अभी मेरे हस्बैंड को गए हुए 5 मिनट भी नहीं हुए, आप आ भी गए। क्यों ना आऊं क्या? मैं इसलिए बोल रही हूँ, कभी कभी ना मेरे हस्बैंड कुछ भूल जाते हैं और वापस भी आ जाते हैं। मेरी जान, इश्क बिना रिस्क मजा भी तो नहीं देता। क्यों सर, किया फिर गोली ने असर? हाँ किया, गोली क्या खाई, मेरी वाइफ तो मुझसे डरने लगी, जैसे उसे पहले पता चल गया हो कि मैंने गोली खाई है। हाँ पहले से दुगना टाइम लगा। वाह सर, फिर तो मैम की तसल्ली होगी होगी। अबे चुप, अब इसे क्या बताऊं कि मेरे साथ बहुत गलत काम हुआ। मैंने तो उस पूजा के साथ काम चलाया, शुक्र है वो था, वरना मैं तो किसी दीवार में छेद कर देता। क्या बोल रहे हो सर, दीवार में क्यों छेद करना, वो है तो सही आपकी मैम। बोला ना चुप रह, खबरदार अगर मेरी वाइफ के बारे में ऐसा बोला, चुपचाप गाड़ी चला। सॉरी सर। जल्दी जाओ, जाके स्टोर में छुप जाओ। अगर वो स्टोर में आ गया? अरे वहां नहीं आएंगे वो, मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा करो, जाओ। मैं प्रधान जी को छुपाकर डोर ओपन करने चली गई, मगर मुझे बहुत डर लग रहा था। आज तो मेरे हस्बैंड ने हमें रंगे हाथ पकड़ लेना था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हेलो
जी बोलिए। ये सुमन बाबा का इंटरव्यू लेटर है, वो यही रहती है? हाँ जी हाँ जी, वो मेरी छोटी बहन है। एक्चुअली वो ना यहाँ पर है नहीं अभी, आप मुझे दे दो लेटर। एक मिनट रुको, उसके फोन पर एक कोड आया होगा, वो लेकर दे दो। ओके। हाँ दीदी। हेलो सुमन। हाँ। तेरा ना इंटरव्यू लेटर आया है। अच्छा। तेरे फोन पे कोड आया होगा कोई, बताना जरा। हाँ वेट, मैं देखती हूँ। हाँ लिखो, 13-14। क्या 14? 13-14। 13-14। क्या 14? 13-14 कोड है। ओके ये लो। आजू आजू बाहर, आ भी जाओ। कौन था? वो कुरियर वाला था, मेरी बहन का इंटरव्यू लेटर देने आया था। वो चंडीगढ़ आएगी इंटरव्यू देने के लिए। ओके। मैं ये रख के आती हूँ। ये इतनी हॉट है, इसकी छोटी बहन कितनी हॉट होगी। थैंक गॉड टिकट मिल गई। जानू अभी कुछ दिन ना मुझे तुमसे दूर रहना पड़ेगा, बट आई मिस यू। अब जब बॉडी में पेन होगा तो वहां पे कोई होगा भी नहीं मसाज करने वाला, और जब तुम मसाज करते हो तो सारी पेन गायब हो जाती है। जब उठोगे तो मुझे कॉल कर लेना। अबे कितनी हॉट है वो। अबे क्या बोल रहा है, जिसे हॉट बोल रहा है साली है वो मेरी। नहीं सर, मैं डैशबोर्ड की बात कर रहा था, कितना गर्म हो गया ना सर डैशबोर्ड। कैसी हो सुमन? जी ठीक हूँ जीजा जी। ड्राइवर बैग उठाओ। नहीं इसको मैं हाथ में ही पकड़ूंगी। हाथ में पकड़ोगे? हाँ ये हैंडबैग है ना, इसको हाथ में ही पकड़ते हैं। ठीक है जी। ठीक है जीजा जी। किधर ले लिया?
सॉरी सर, सॉरी सर, मेरा ध्यान कहीं और था। अपना ध्यान ना काम पे रख। सर काम पर ही है। चलो ऐसा करो, आगे से घुमा लो, काम पे ध्यान नहीं है। जी सर। आओ जी, आ जाओ जल्दी सामान लेके। इधर ही आ जाओ, लिफ्ट नहीं चल रही, सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। इसे मैं पकड़ लूं? क्यों? वो हैंडबैग है ना, हाथ में पकड़ना अच्छा लगता है। पकड़ लो पर ध्यान से। ठीक है। लाओ, अब ये मेरे हाथ में दे दो। हाथ में? लो पकड़ो। दीदी। अबे क्या किस्मत है इस चुड्डू की, जितनी हॉट साली उससे भी सेक्सी वाइफ। अरे अंदर तो चलो, अंदर जाके मिल लो। बेसब्री होती है अपनों से मिलने की, आप क्या जानो। हाँ तो जो करना अंदर कर लो ना। चलो। अबे तू क्या देख रहा है, सामान लेके अंदर आ। आप लोग बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। ओके ठीक है सर, मैं चलता हूँ। आप भी चाय पी के चले जाना। जी ठीक है जी। तुम चाय पी के मुझे ऑफिस छोड़ देना। जी सर। दीदी इतनी जल्दी चाय ले आए, लगता है पहले से बना के रखी थी। हाँ बिल्कुल, मेरी तो आदत है, हर चीज पहले से ही प्लान करके रखती हूँ। आप लोग आ रहे थे तो मैंने पहले से ही चाय बना के रख ली। ये तो पूरी प्लानिंग के साथ करती है सारा काम, अगर इनके साथ बात बन जाए ना तो मजा आ जाए। क्या देख रहे हो, जल्दी चाय पियो, हमें जाना है। जी पी रहा हूँ सर। रीटा, जब तक हमारी गाड़ी सड़क से बाहर नहीं आती तब तक ये हमारे साथ रहेगा। हमारे साथ मतलब इसकी गाड़ी में कहीं आना जाना हो तो चले जाना। इसका नंबर सेव करो, कई बार मेरा नंबर नहीं लगता तो इसे कॉल कर लो। मेरी तो बैटरी लो है, मतलब
मेरे फोन की चार्ज पे लगा रखा है मैंने। कोई नहीं, मैं नोट कर लेती हूँ नंबर। बोलो। 8676564666। बड़ा सेक्सी नंबर है तुम्हारा। जी, बड़ी मुश्किल से मिला है। चलो भाई निकले, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। ये तो निकल लिया, अब घर पे अकेली होगी। साली भी तो आई है, उसे भी मिलके आता हूं। नहीं, रुक के जाता हूं। ये साला घर पे चीजें भूलने का शकीन है, कहीं वापस ही ना आ जाए। थोड़ा रुक के जाता हूं। आई दीदी, आप मत उठाना, मैं आकर देखती हूँ। बस मैंने नहा लिया। तुम्हारे फोन पे ना किसी का कॉल आ रहा था 2-3 बार। दीदी, ये फालतू के लोग ना कॉल करते रहते हैं, इसलिए इन फालतू लोगों का कॉल मैं ज्यादा उठाती नहीं हूँ। हाँ, जब बंदा अकेला हो तो फालतू के लोग भी कॉल नहीं करते। हाँ दीदी, आप तो यहाँ पर बोर हो जाती होंगी ना। हाँ, सामने पार्क है, जब दिल नहीं लगता तो टहल आती हूँ। तुम भी टहल आना जब तुम्हारा दिल ना लगे। ठीक है, वैसे भी अब कुछ दिन मेरा जिम मिस हो जाएगा। हो सकता है पार्क में मुझे कोई कुछ दिनों के लिए मसाज करने वाला मिल जाए। तुम मुझे देखकर घबरा क्यों जाती हो? तुम्हें देखकर मैं क्या, मेरे शरीर का अंग अंग घबरा जाता है। फिर अपने अंगों से पूछो ना, उन्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगता क्या? आप खुद ही पूछ लो।
तुम घर में अकेली हो क्या? हाँ बाबा, अगर कोई होता तुम्हें ऐसे करने थोड़ी देती। आप बोल रही थी आपकी बहन ने आना है, वो आई नहीं क्या? आई है, पार्क में टहलने गई है। अच्छा, तूने मुझे मुलवाया भी नहीं उससे। आ जाओ, सामने घूम रही है, अभी दिखाती हूँ। वो जो पर्पल ट्रैक सूट में है ना? हाँ? वो है मेरी बहन। अरे वाह, तुम्हारी बहन तो बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। मेरी बहन है तो मेरी जैसी तो होगी ही। भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया है तुम्हें और तुम्हारी बहन को। मैंने ना उसे बहुत मुश्किल से सैर करने के लिए भेजा है और थोड़ी देर में आती ही होगी। चलो ना, मेरी बॉडी को पूरी तरीके से तोड़ दो। चलो ना। डार्लिंग, प्यार एक ऐसी चीज है जो प्यार से ही होती है। तो कर लो ना, रोका किसने है? Thank you.
स्टाइल हो गया। ये तो मैम का फोन आ गया। हाँ बोलो। जी वो ना गलती से लग गया था फोन। ठीक है, अगर गलती से लग ही गया है तो मेरी बात सुनो, कल सुबह मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है तो टाइम से घर पे आ जाना। पता नहीं कब आएगी वो। ये तो पीछे बैठ गई। चले मैम। नहीं अभी रुको, जीजा जी आ रहे हैं, उनको ऑफिस भी ड्रॉप करना है। ठीक है। जीजा जी वापसी में मुझे शॉपिंग भी करनी है। ठीक है कोई बात नहीं, जतन ले जाए। ठीक है। जतन जहां जाना चाहे वहां ले जाना। ठीक है। जब भी सब लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं तो मुझे मेरा काम याद आ जाता, तो मैंने प्रधान जी को फोन करके बुला लिया। अरे तुम्हारी बहन कहाँ है? वो तो इंटरव्यू देने गई है, तभी तो हमें मिलने का चांस मिला। अरे उस दिन भी नहीं मिलवाया, एक बार मिलवा तो देती। मिलवा दूंगी, अभी वैसे भी कुछ दिन वो यही है। वो तो यही है मगर मुझे शायद कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़े। कहाँ? वो इलेक्शन में ड्यूटी लग सकती है, फिर वहीं रहना पड़ेगा 15-20 दिन। तो मेरा क्या होगा? अभी पक्का नहीं है, चांस है। चांस की तब देखेंगे, अभी तो चांस मार लो। चांस तो अच्छे से मारेंगे, मुझे गोली खाने दो, तुम चाय बना के लाओ। ओके अभी लाए। आप आगे बैठे, मुझे अच्छा लगा, ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे अपना समझा। जब कोई किसी को जान लेता है तो वो अपना ही हो जाता है। मुझे अपना बनाने के लिए शुक्रिया। जब हम मिलते हैं एक दूसरे से तो अपनापन कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। कैसी है? थोड़ा मीठा कम है।
मेरी की छोड़ो, तुम मुझ में ही बॉल है। मैं तो ड्रेस की बात कर रही हूँ, कैसी लगूं मैं। जहीं दूर से देखता रहा ना तो साला कहीं जहीं ना। आज ना वहां कुछ मीठी मीठी दर्द सी हो रही है। इसे दर्द नहीं, खुजली कहते हैं। तो कैसे मिटाएं इस खुजली को? नमक इश्क का। दीदी तुम कब आई? अभी अभी। ये ना प्रधान जी है, मेरे बाथरूम का टैप खराब हो गया था तो उन्हें दिखा रही थी। हाँ मैंने आवाजें सुन ली थी जब आप जोर जोर से बता रही थी। प्रधान जी ये ना मेरी छोटी बहन है सुमन। जिस तरह प्रधान मेरी छोटी बहन सुमन को देख रहा था, मुझे लगा कि अब उसका इंटरेस्ट मुझ में कम ना हो जाए। आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लेके आती हूँ। नहीं चाय तो। चाय के बहाने बात भी हो जाएगी। नहीं दीदी आप लोग बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। फिर कुछ दिन सुमन ने अपने इंटरव्यू के रिजल्ट का वेट करना था तो उन दिनों वो मेरे पास रहने लगी। हमारी गाड़ी ठीक होने के बावजूद भी जब भी सुमन को कहीं जाना होता तो ड्राइवर को कॉल करके बुला लेती। सुमन ये बात जान चुकी थी कि ड्राइवर उस पर फिदा था और सुमन ने मुझे प्रधान के साथ सब कुछ करते हुए देख लिया था। और एक दिन सुमन ने कॉल करके ड्राइवर को घर बुला लिया। मैं और मेरे हस्बैंड कहीं बाहर जा रखे थे, लेकिन उस दिन मेरा भाई पूजा आया हुआ था और मैंने उसे घर पर ही रहने को कहा था। आज परफॉर्मेंस सही करनी है।
साला कहाँ एंट्री मार रहा है? लगता है मेरी आइटम पे ट्राई मार रहा है। हाय पूजा, तुम चाय बना के चली जाना, फिर मुझे भी कहीं जाना है। ठीक है दीदी। बैठो। रीटा जी ने बोला था कि सुमन को साथ लेते आना पार्टी पे, मैं वहीं जा रहा हूं। मेरा ना मन नहीं है। रीटा जी ने बोला था कि जरूर लेते आना, घर में अकेले नहीं छोड़ना। बात कराऊं क्या? हां जी प्रधान जी। हां जी रीटा जी, वो सुमन आने को मना कर रही है। हां जी कर लो बात। हाँ दीदी। बेटा सुमन आ जाओ यहाँ पे। नहीं दीदी, मेरा ना मन नहीं है। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। क्या बोले? वो दीदी कह रही है कि अगर मन नहीं है तो रहने दो। अच्छा। चलो। ठीक है, आप भी चाय पी के चले जाना, वैसे भी चाय बन ही रही है। ठीक है मैडम जी, मेरी अगली राइड का टाइम हो गया है, मैं तो आपका सामान पकड़ाने आया था, मैं चलता हूं। शायद ये खुद भी मेरे साथ एंजॉय करना चाहती है, इसीलिए इसने उस ड्राइवर को भेज दिया। पूजा जी, तुम जाओ, तुमको लेट हो रहा होगा ना ड्यूटी के लिए। चाय मैं खुद डाल दूंगी। ठीक है, बाय हैंडसम। अरे इधर आ, सरदार होकर कैसी हरकतें करता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? कौन बोला कि मैं सरदार हूँ? मैं पहाड़ी हूँ, पहाड़ी। अच्छा, रहता कहाँ है? शिमला। जब कभी आए तो मिलेंगे। जरूर, पर रात को आना, चलता हूँ, बाय बाय। अब तो यकीन हो गया, ये जानबूझकर सबको भेज रही है ताकि हम दोनों मस्ती कर सकें।
आपको पार्टी में जाने के लिए लेट नहीं हो रहा? मैं सोच रहा था पार्टी पे ना ही जाऊं, आप क्या कहती हो? दीदी, मैंने प्रधान से कहा मैंने नहीं जाना, ये यहाँ से जा ही नहीं रहा, आप फोन करके बोलो ना इसको। अच्छा ठीक है, बोलती हूँ। हेलो प्रधान जी। हाँ जी रीटा जी। जब सुमन नहीं आ रही पार्टी में तो आप वहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? आप तो आओ पार्टी पे। हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, वो चाय पी थी ना, एसिडिटी होगी थोड़ी सी। ठीक है जल्दी आ जाओ। हाँ बस मैं आ रहा हूँ। साली गेम खेल गई। ये इंस्पेक्टर तो तुम्हारे घर की तफ्तीश करने लग गया है। ये हमारे घर की नहीं, मेरी तफ्तीश कर रहा है। मतलब? मेरी बहन के साथ तो मजे ले ही चुका है, अब मेरे साथ लेना चाहता है। इसकी तो कंट्रोल कंट्रोल, मैं ऐसी किसी टुच्चू बंदे के हाथ नहीं आती। हाँ मगर मेरे तो आ गई ना। तुम टुच्चू हो क्या? हाँ ना। नहीं नहीं नहीं, अगर ये साला दोबारा आ गया फिर। वो नहीं आएगा, उसको छोड़ो ना। छोड़ दिया, अब क्या करूं? अब मुझे पकड़ो ना। सुमन की यही जॉब लग गई और वो हमारे साथ ही रहने लग गई। और जब भी मैं किसी काम से बाहर जाती, सुमन ड्राइवर को कॉल करके अपनी आग बुझा लेती। वो तो ठंडी हो जाती लेकिन मेरे अंदर की आग सुलगती रहती, क्योंकि प्रधान जी अपनी पुलिस की ड्यूटी से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रखे थे। और एक दिन जब मैं घर पहुंची तो मैंने देखा सुमन। थोड़ी तो शर्म करो, दिल्ली है ना तुम्हारा बॉयफ्रेंड। ये तो बस टाइम पास है, मैं कौन सा सीरियस हूँ दीदी। और आपको तो पता है ना, जरूरत कितनी जालिम होती है, इंसान से कुछ भी करवा सकती है। मेरा भी करवा दे टाइम पास,
बुला ले उसे कल। माना कि जीजा जी का छोटा है कद, मगर तुम्हारे पास है ना तुम्हारा वो काला और लंबा प्रधान। वो है नहीं, था, पता नहीं कब आएगा। और तुम तो जानती हो जरूरत कितनी जालिम होती है। हाँ जी, कैसे हैं आप? कल जब जीजा जी ऑफिस जाएंगे तो तुम घर आ जाना। लेकिन घर पर तो तुम्हारी बहन होती है ना? वो कुछ नहीं कहेगी। फिर भी यार, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता। यकीन मानो, इस पर बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हारी दीदी चली गई, फिर हम कहाँ, दूसरे रूम में चलेंगे? नहीं, दीदी वाले रूम में ही। क्या मतलब, ये क्या है? थ्रीसम, मगर शुरू दीदी के साथ, बाद में मैं भी आती हूँ।